आज तुम उड़ा रहे हो तो तुम अमीर कहलाते हो क्या कहलाते हो? हम तो वो खचरे कहलाते हैं कि आज की डेट में कोई पतंग ही नहीं उड़ाता। फूड क्वांटम ने नए बिजनेस में आ गया पतंग उड़ाना। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो फाइनली जैसे आज कितनी तारीख हो गई, 29 के आसपास हो गई जुलाई, और अगस्त आने वाला है। तो 15 अगस्त पहले से ही काफ़ी शौक रहा है पतंगें उड़ाने का, और आज तक भी उड़ाते रहते हैं। तो हम चलते हैं फिर आज पतंगे लेने। जो प्लान किया है वो जाफराबाद जाने का किया है, क्योंकि मार्केट दिल्ली एंड शहर में आई थिंक दो जगह लगती है। एक तो जाफराबाद की मार्केट है, दूसरी मार्केट जो है चांदनी चावड़ी की है, चावड़ी बाजार के आसपास की, लाल कुआं चांदनी चौक की तरफ। बट फिर क्या है, क्योंकि उधर जाम वाम का थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए अपन ने प्लान किया कि जाफराबाद की तरफ जाया जाए, क्योंकि उधर चांदनी चौक से तो भीड़ कम रहती है। तो अपन चलते हैं लेने, क्योंकि भले बड़े या बुढ़े ही हो गए अब तो, पर फिर भी जो मज़ा उस समय बचपन में रहता था पतंग उड़ाने का, वही मज़ा आज भी है, वही जोश आज भी है। रूट्स अपनी भूले नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं जाफराबाद, और वहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम लेते हैं और क्या क्या रेट आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। क्योंकि जब पहले उड़ाते थे तब बहुत फ़र्क था, बहुत सस्ती पतंगें थी, आज की डेट में बहुत महंगा हो चुका है मामला। तो सीधा पहुँचते हैं जाफराबाद और फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो आप, हर जगह पतंगें ही पतंगें लगी पड़ी हैं यहाँ पे। तो अभी हमें जाना है 25 नंबर गली के पास। भाई हम पहुंच गए हैं फाइनली जाफराबाद, और एक दुकान जो लंबी चौड़ी सी लग रही थी, तो उसमें जाते हैं और देखते हैं क्या क्या लेना। तो ये दुकान है जहाँ थोड़ा बहुत हमें समझ आया बिट्टू भाई अंदर ही है। तो चलिए लेते हैं अपना सामान। अवेलेबल है और कुछ इस तरीके से पूरा चकाचक भाई ने पूरा भर के रखा हुआ है। तो कौन सी पतंग देख रहे हो रोहित? ये देखो, फूड पांडा बंद हो गया है, बट बेचारे की टेप आज तक चल रही है मार्केट में और पतंग बनाने के काम आ रही है। इंडिया में सबसे छोटा कहीं तो काम आ रहा है। तो ये बहुत सारी पतंगें हैं, कंफ्यूजन हो रखे हैं कि ले क्या और क्या डालें। ये इसे क्या मिर्ची कहते हैं शायद। ये क्या रुपये पीस है भाई? इसका क्या है? 12 रुपये की एक। तो वही वाले ही करवा लेंगे, पहले मंजा ले लेते हैं ना। ये देख ले, ये पहले मंजा दिखा दे यार। ये सबसे बड़ी पतंग नी भी तो ये होगी, 5 फिट के आ रहा हूँ। तो भाई पहले पतंग से पहले हम चरखी फाइनल कर रहे हैं। यही ठीक है। ये कितने की? 60 की बताई थी ना। सत्तर। ये देख लो, बस इसके कोने देख लेना भैया, वो ना उसके लिए आप ठीक आपके सामने भरेंगे सब। ठीक है, और एक वही दे दो। यही कलर है दूसरा? यही दे, कोई सा भी दे दो। एक तो वो दे दिया, एक दे दो, कैसा भी दे दो, बस वो देख लेना कॉर्नर आप देख लेना, और एक 27 में भी भरवा देना। और सद्दी हमने सबसे पहले फाइनल कर ली, अब क्योंकि पतंग में टाइम लगता है तो पतंग फाइनल करते हैं। थोड़ा आइडिया दे देंगे आपको कि क्या रेट है, किस रेट में मिल रही है, क्या किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से अपना देख सकते हो। बाकी जितना 15 अगस्त पास आएगा उतनी पतंगें महंगी होती रहेंगी, उतना मंजा महंगा होता रहेगा, जितनी पहले आओगे उतना सस्ता मिलेगा। आज का जो रेट है वैसी बात है, कल वो रेट मिले ना मिले वो चीज़ रहती है, बट हाँ एक आइडिया मिल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब सद्दी हमने फाइनल कर दी, मंजा भी हमने फाइनल कर दिया, बाद में आपको दिखा दूंगा। तो अब हम पतंगे फाइनल करते हैं, तो देखते हैं क्या है क्या। कितने से स्टार्ट है पतंगे, थोड़ा हमें आइडिया दे दो। पतंग हमारी 400 रुपये से लेकर 1 रुपये की बिक्री तक। अच्छा, तो मतलब होलसेल चाहे कोई लेना चाहे, चाहे कोई रिटेल लेना चाहे, दोनों। रिटेल में कोई लेगा तो रेट थोड़ा ऊपर होता होगा, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम ये डिस्काउंट है हमारी दुकान का कि जो भी आता है हम उसे कुछ ना कुछ करके दे भेज देंगे, रिटेल रेटों में नहीं देते। ठीक है, तो अब हमें थोड़ी पतंगें दिखा दो, पतंगबाजी खुद के लिए करने के लिए, बाकी बेचने के लिए हमें चाहिए नहीं। एक वाली है बड़ी हमारे किसी काम की, तो बड़े में दिखा दो एक। तो भाई ये वाले जो लग रहे हैं ना सबसे बड़े वाले होते हैं हाथ के, थोड़े थोड़े में खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, और फिर घर में पड़ेंगी हमें गालियाँ।
तो ये है 1200 बीज पड़ रहा है। पिछले साल जब हमने ये लिया था तो 20 रुपये का पड़ा था हमें, 1500 इतने का ही मिलता है। तो ये निकाल तो मुझे कितने रुपए के हिसाब से? 4 पतंग का चौगा बोलते हैं इसे, हैं? हाँ, ये चौगा होगा। ये दूसरा आ गया है। चौके हो गए, ये हमारी होगी 35 पतंग ही होगी। अब इसमें कुछ और थोड़ा बढ़िया और दो टांग वाली शक्तिमान है ये तो। पहले शक्तिमान के नाम से तो दो टांग वाली पतंग तो भैया एक आधी ऐसी दे देंगे यार। वीडियो बना के प्रमोट भी तो कर रहे हैं, एड भी तो कर रहे हैं, कितना तो बनता है भैया तो खबर ना लेंगे जैन की तरह आईफोन मैंने भी लिया था। हाँ, ग्रीन वाली ये गोल्डन वाली भाई, यहाँ से ग्रीन चमक रही है, यहाँ से ग्रीन चमक रही है। और इसमें अंदर क्या है, बस ये कलाकारी का उसी का रेट फर्क है 4 रुपए का। लेकिन ये आप ये लेने जाओगे 20 रुपए की मिलेगी वो तो, लेकिन मैंने ले रखे हैं ये 15 रुपए की। बस मैं वैसे कह रहा हूँ कि कलाकारी का फर्क है, और तो ये भी हमें दे दो तो भाई जैसे ये 2 चरखी हमने ली हैं, ये 2 सब्जियाँ हमने ली हैं जो एक दीपू भैया ने बनाया, तो ये हमने ले रखा है। आप तो बात बोल तो ये आ रहे हैं हमारे फूल। पहले तो हम इन्हें बोरी कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं। जब हम छोटे थे जो बच्चा ये पतंग उड़ाता तो बहुत अमीर कहलाता था, सबसे अमीर कहलाता था जो इन पतंगों को उड़ाता। आज तुम उड़ा रहे हो तो तुम अमीर कहलाते हो, क्या कहलाते हो? अब हम तो वो खचरे कहलाते हैं कि आज की डेट में कोई पतंग ही नहीं उड़ाता, खचरे से उड़ा रहे हैं पतंग। ये क्या रेट पड़ी थी? 600 500 ये है, 600 की 100 है तो 6 रुपये पर भी देख सकते हो। छोटा बड़ा था, छोटा सा है, नहीं छोटा नहीं। आप कुछ पन्नियाँ दे दो भैया, आप थोड़ी हम पन्नियों वाली पतंगें भी लेते हैं क्योंकि बारिश हो गई और जो हर 15 अगस्त होती है तो पन्नी वाली भी देख लेते हैं। बाकी पतंगें यहाँ 1 रुपये से शुरू है ही, पन्नी की मैंने आपको दिखा दी, और कागज़ की शायद 2-2.5 रुपये से यहाँ पे शुरू है। तो अगर कोई आके रिसेल करना चाहता है, बेचना चाहता है तो वो भी आ सकता है। गाड़ी आप देख सकते हो भारी लगी है, तो ऐसी कोई जाम की भी कोई दिक्कत हमारे लिए है नहीं, क्योंकि पास में ही सब कुछ है और पास ही मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से 2 कदम भी दूर। हमारी 12 पतंग ये भी हमने ले ली, तो अभी तक आई थिंक हम ले चुके हैं 12, 24 और 32 बहुत सारी ले चुके हैं, 56 के आसपास। मैथ में थोड़े कमजोर हैं। तो अब ये मिर्ची कहते हैं ना, ये ठीक है रेट है भैया, तो ये है जिन्हें मिर्ची कहते हैं, ये 7 रुपये के हिसाब से 8 रुपये यार इनके कागज़ इतने।
कागज अच्छे नहीं है इनके, ये घूमती तो नहीं रहेगी। नहीं नहीं वो आगे देना नहीं। इसका सही है, कितने हाथ तोड़वाए कितने पैर तोड़वाए। आज ये है कि लूटने का नहीं करता मन, कुछ लेके उड़ा देता। और भैया पन्नियाँ दिखा दो, डिजाइन तो ये वही है जो मैंने शुरू में दिखाई थी। देखो फूड पांडा कंपनी बंद हो गई, पर पतंगे बनती है फूड पांडा की। फूड पांडा अपने नए बिजनेस में आ गए पतंगे बनाने। और ये देखो, ये देख सकते हो तुम पांडा को, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा फूड पांडा है, पतंग स्पेशली फ्रॉम फूड पांडा। ये कितने की? अलग अलग कलर, इसके दो कलर निकाल देना। तो ये पड़ रही है हमें 5 रुपये की, 5 रुपये की, मतलब 500 की 100 रिटेल में। और ऑलमोस्ट डबल हो ही जाता है इस पतंग का रेट। पिछली बार खरीदी थी तो कूपन रखे हैं हम। ये फरुखाबाद, ये फरुखाबाद 7 रुपये की। और तो ये भी ले लेते हैं, बाकी ये फूड पांडा भी ले लेते हैं। देखो फूड पांडा ये भी देखो, भारी शॉपिंग होते हुए। और ये देखना 15 अगस्त के दिन ये आधे दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम तारीफ बने के कटवा लेते हैं। तो भैया ने हमें मंजा दिया है इस बार, बोल के अच्छा चलेगा। और भैया ये वाली दिखाओ, ये वाली अभी जो छोटी छोटी पतंगे क्या है, ये बच्चे अच्छे सजाने के लिए है ना। यार भाई ये ना टूट के चले आती है, हाँ मंजे में। और उस दिन हवा या तो देखो तुम्हें पता है तो बहुत तेजी चलती है, या तो चलती है, और चलती ही तो ये उड़ने से रही, और चल गई तो ये टिकने से रही, पार हो जाती है। तो इसके शौकीन आएंगे तो फिर अभी देखते हैं इसे, इनका पहले देखते हैं क्या हिसाब करनी है, इनका बनाओ भैया। बाकी तो ले ही लिया हमने ज़्यादा करना, और तो बता दें यही पन्नी वाली भाई कितने की बताएगी आपका। ना यार अब गाड़ी से आना पड़ता है, हेलीकॉप्टर लेके कहाँ जाएगी। ये छोटा भी मोटा भी एक ना पन्नी की दे दो मुझे भाई, 10 पीस पतंग छोटी वाली भी पन्नी है। हाँ सस्ती वाली दे दो बच्चों के लिए, दे दो 4 का ही आता है ना, 12 दे दो, 16 दे दो। अरे सामने बच्चे खेलते रहे, सस्ती वाली दे दी है भाई। हाँ
दान में देने के, दान देनी है भाई। खेलते रहते हैं यार वो। ये रही ना यार। हाँ ऐसी बात। ये हाँ ये तो, ये तो 10-20 ले लो। ये तो 100 लगा के इसी को कर दो, 100 ले रहे हैं, एक लगा दो इसको ही, देख लो अगर हो सकता है तो। देखो हम कुछ दान हम दे रहे हैं, कुछ तुम कर लो, थोड़ा पुण्य का मान लो। वो बच्चों के लिए है, वो थोड़ी उड़ाएंगे ये लेने के बाद। ये तो ले ली हमने, तो ये है 12 रुपए की प्लास्टिक वाली मिर्ची। बस भाई खर्चा ज्यादा हो गया। अब ऐसे हैं वीडियो करके चले घर चले। हाँ भैया चलो, तो अब हम अपना रेट लगवाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं पैकिंग करके फिर मिलते हैं। भाई यहाँ पे ना ये लैंटर्न्स भी मिल रहे हैं, आई एम श्योर अगर आप मार्केट में लेने जाते होंगे तो ना ना करते हुए ना ये 500 रुपये से कहीं नीचे नहीं मिलते, बट यहाँ पे जो ये मिल रहे हैं वो सिर्फ 20 रुपये का पीस मिल रहा है। भैया ऐसा करो ये लैंटर्न भी कर दो 50, तो ये भी हम 50 ले लिया है। ये हैं 4, ये कितने 4 ये हैं फरूखाबाद वाले 12 होंगे ये, हाँ 12 ही हैं ये 12, 7 रुपये से 12। रेट सही लगा लेना यार भाई, रेट पूरा कैलकुलेट तो होंगे भाई। तेरी बात सुनो, रेट वैसे ही क्योंकि हमारा रेट में बात नहीं उड़ा मत देना। ये जोड़ लो भाई 5 रुपये से। ये भी है ये फूड पांडा वाली, तुम तो हर चीज़ के रेट बढ़ा दे रहे हो यार। हैं भैया ने वो 40 की बताई, तुमने 50 की कर दी। वो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये का सामान पर्सनली तो हमने ले लिया है। बाकी यहाँ पे भी पतंगे हैं, तो देखो जिस टाइम से हम आ रहे हैं ना 90s के हम बनने हैं, तो यार यही हमने किया है, पतंग ही उड़ाई हैं, बांझे ही तोड़े हैं, मार भी खाई है। दिवाली होली और 15 अगस्त, इसके 90s के जो भी होगा मेरे हिसाब से ज़्यादातर दीवाने आज भी जो उस समय शायद उड़ाते होंगे मेरे हिसाब के आज भी, पर नहीं उड़ाते, वो कहते नहीं यार अब बड़े हो गए, बट भैया देखो दिल तो बच्चा है नहीं, जो मज़ा है वो पहले भी उतना ही आता था, आज भी उतना ही आता है, बस पहले ये था कि मार पड़ती थी, अब अपने पैसे से खरीदेंगे। तो ये सब्जी बढ़ती हुई भीड़ देखो, पहले हाथ से बढ़ते थे, अब मशीनें इतनी आ गई हैं कि एक एक मिनट में पूरी सब्जी के सब्जी बढ़ जाती है। बाकी ये इंदिरा सर्फियाँ थी और कुछ ये पतंगे भी हैं जो हमने नहीं देखी, जैसे दिल्ली दर्शन, तो ये भैया ने शायद मुझे 4 रुपये पर पीस बताया, और ऐसे ही काफ़ी सारी ये तो हमने खरीदी हुई है। तिरंगा है, तिरंगा हमने ख़रीदा नहीं क्योंकि छोटा तिरंगा है, हल्का है, और ये गुड्डे भी हैं, ये भी 3 या 4 रुपये के हिसाब से। तो पतंगे काफ़ी सारी है, शॉपिंग हमारी हो गई। ये हमने चीज़ लिया फेस शील्ड, तो इस फेस शील्ड ये काफ़ी मतलब बढ़िया है इसके लिए, जैसे हम चश्मे वाले हैं तो इसके ऊपर क्या ही चश्मा पहने वाले हैं, और बचने के लिए बिना चश्मा ले गया, और थोड़े हम गरीब भी हैं कि हम शेड्स नहीं बना सकते पावर वाले, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है, चेहरे को भी बचाएगा, आंखों को भी बचाएगा, और दिन भर पतंगे उड़ सकती है अगर इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न ना हो के बारिश ना करे तो। तो बाकी पैकिंग, तो ये पैकिंग हो ही गई है हमारी मोस्टली। ये थोड़ी बच्चों के लिए कुछ पतंगे ली हैं, ये अलग से निकाल दी हैं, पैकिंग हो गई, तो अब इन्हें लेके चलते हैं सीधा घर। तुम्हें
पतंग के लास्ट में तिरंगा भी हमने ले लिया, ये 13 रुपये 20 का पड़ा, अंदर ही चरखड़ी अंदर ही छूट गई। तो कुछ ये सारा सामान है जो हमने लिया है, ये थोड़ा बच्चों के लिए ले लिया, ऐसे बच्चे उड़ा लेंगे, ये बलून हो गया, अब चरखड़ी हमारी रह गई। ये शॉप थी, शॉप का नाम तो लिखा नहीं है, बट ये शॉप है 25 नंबर गली से पहले PS इम्पैक्स के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो भाई जे बढ़ीली हो चुकी है और इतना ही खर्चा अगर हम अपना 15 अगस्त के आसपास लेते हैं ना, इतना ही खर्चा हो जाता, बट उसमें फिर पतंगे कम आती, पतंगे आई थिंक हमने 70-80 पतंगे, खर्चा हमारा 4000 पहुंच जाता। हाँ 70-80 दी होंगी ना पतंग, हाँ 70-80, हाँ ज्यादा ही ले लिया, 70-80 पतंग होगी और 2500-3000 रुपए के, मतलब 3000 मान लो मोटे मोटे, तो ठीक है। 3 व्हील की चरखी भी थी जो कि अगर मैं वहां लेता आई थिंक 1200-1500 रुपए के आसपास आराम से मिलती, तो सॉर्टेड है। देखो कोई पतंग उड़ाता हो दिख जाएगा तो एक बार ट्राई कर लेंगे, कटती है नहीं कटती। और अब मिलते हैं आपसे फिर अगले व्लॉग में, जब पतंग उड़ाएंगे तो तब आपसे मिलेंगे। 15 अगस्त नहीं, मैं तो पहले से उड़ानी शुरू कर दूंगा ना, उड़ाएंगे लोग तो ठीक है। मिलते हैं फिर जल्द, तब तक फिर टाटा टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी डिटेल्स डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर ही डालूंगा, और कुछ तो मेरे पास है नहीं। सामने ये जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी इधर हर जगह देखोगे ना तो पतंग ही पतंगे हैं।